ama çile paralarını okuyorsun oradan ben şeyden görme asak dünyayı orada boş nedeniyle doldum bu et bıdlağı nedeniyle bu adı kurulu yok mu hatta o kadar tümhane tarikatlar mı hemen sattı oyun हमारे मतदाताओं में जो एक निराशा की छा गई थी वो आशा में कमी हो गई है कि आपके आदमी आदि थोड़ा भारी सहयोग का दोष है क्योंकि 5 साल पहले जो हरियाणा में सरकार बनी भारतीय जनता पार्टी की उसने क्या क्या वायदे किए क्या क्या सपना दिखाया और लोग उनके बेटाओं में आकर उन्हें सरकार बना फिर 5 साल में हुआ क्या एक तो करोड़ों वादे किए थे एक वादा पूरा हुआ कोई वादा नहीं था क्या वादा नहीं किया था किसानों को कहा था कि स्वामी का धन का भाव नहीं है और ना असलियत क्या अपने जिला का नहीं हमारे समय में ना तो खाद पर टैक्स था ना कीटनाशक दवाई पर टैक्स था ना पेट्रोल खाद पर टैक्स था और डीजल हिंदुस्तान में सबसे सस्ता आज क्या है हरियाणा में हर चीज पर टैक्स जो 800 रुपए का कटना था वो आज 1400 रुपए का कटना है लेकिन भाव नहीं मिलेगा किसान जो भूख भी भूखी पैदा करता है बाजरा पैदा करता है सरसों पैदा करता है तो उसको कह देते हैं कि वे अपने 5 क्विंटल लेके कटा लेंगे बाकी किसान कहा लेंगे मजबूरी में डिस्ट्रेस से जिसको कहते हैं मजबूरी में सबसे भाव में किसान आता है जो किसान आलू पैदा करता है वो अपने से किलो आलू हम अपनी मंडी में बिका आज आज जो किसान खेती के अलावा जो पशुपालन से काम करता है आज जिस प्रकार से बाहर के डेयरी प्रोडक्ट्स का इंपोर्ट छोड़ रही है सरकार उसके सामने देखना जो दूध की कीमत जो है 1.5 से 7.8 रुपए प्रति किलो कमाएगी और जो किसान पशुपालन करते हैं जो रोटी व्यक्ति जो भूमि पशुपालन करके अपना गुजारा करते हैं उनके लिए मुश्किल हो जाए इसी प्रकार से गरीब आदमी शडूल कास्ट जिनको हम 900 बच्चे ब्लॉक 3,10,000 हमने 100 बच्चे ब्लॉक दिए इस सरकार ने 1,000 गांव का नाम चालू और आदमी का नाम चालू बल्कि जो उनके बच्चों के लिए बनी हुई स्कीम लाई थी पहली जमात से उसमें भी घोटाला कर दिया तो उनके लिए गरीब आदमी के 1,000 रुपए की स्कीम लाई थी हमने उसमें भी घोटाला कर दिया अब चीनी को किलो देते थे बीपीएल परिवारों को वो भी बंद कर दी थी 3 साल तक तो 1 किलो दिया ये तो गरीब आदमी का है और व्यापारी आज मंडी में बैठा हुआ है व्यापारी भाइयों का देखो आज बात कर लो 24 साल तो सारे हड़ताल में जा रहे हैं क्यों क्योंकि कभी गलत कर रहे चीनी गवर्नमेंट कह रहे किसान को ताकि किसान इंतजार करता रहे अरे व्यापारी का आर्थिक का किसान का तो एटीएम है एटीएम का रिश्ता है रात को 12 बजे की उठ पड़ती है जो हम उससे लेते हैं तो ये ऐसा काम कर रहे हैं और व्यापारी कह रहा है कि हमारा मुनाफा तो क्या दूर हम अपनी पूंजी ना रहे कभी जीएसटी कदम नोटबंदी इसी प्रकार से कर्मचारी कर्मचारी रोज शर्तों पर रहते हैं रोज लाठियों से ढूंढा जाता है लाठियों से कभी लाठी कभी वाटर कैनन रोज उनकी पिटाई हो रही है रोज कर रहे हैं आप देख रहे हैं बेरोजगारी बेरोजगारों से क्या वायदा किया था इन्होंने कि हम इतना प्रति माह देंगे हम रोजगार देंगे कि
का बेरोजगार को अनाउंस देंगे, इतने हो जाएंगे भाई। बेरोजगारी का अंदर इतना आगे भयानक स्थिति हो रही है कि आप हम भी हमसे बेरोजगारी का अंदर जो 2012 में 2.8 था हरियाणा का, आज पूरे देश में सबसे ज्यादा 28% हो चुका है। 28% बेरोजगारी का दर कितनी तेजी से बेरोजगारी बढ़ रही है। आगे होगा ना रोजगार मिलेंगे और ना और कोई काम मिलेगा, ना किसान खुशहाल होगा, ना व्यापारी खुशहाल होगा, भाई कौन होगा लोग फिर? सिर्फ प्रचार प्रचार करना चाहते हैं। इन करना चाहते हैं भारत के व्यापारी वाले कि आपके सामने मंदी जो 2008 में मंदी आई थी, मैं उस समय सोनिया गांधी के नेतृत्व में और डॉक्टर मनमोहन सिंह के नेतृत्व में जो यूपीए सरकार थी, उन्होंने गरीब आदमी को उसका मंदी असर नहीं किया। आज वो असर सीधा किसान पर गरीब आदमी को पड़ रहा है और तेजी से मंदी आ रही है। आप देखते हैं हर क्वार्टर के बाद, हर तिमाही के बाद बेरोजगारी बढ़ रही है, मंदी भी बढ़ रही है, ये स्थिति है। तो आज मैं आपसे निवेदन करना आया हूं, यह समय आ गया जो पहले के थे उन्होंने कोई नहीं लगाया, सिर्फ लोग हर वक्त अपने आप में थका हुआ महसूस कर रहा है और इंतजार करता रहा और जो आशा थी उनसे वो निराशा में बदल चुकी। तो आज 36 राज्य एक होकर हम सब कांग्रेस एक है, एक होकर इस सरकार को भाग करने का काम करो। दो रात आज में कांग्रेस की सरकार बनी, उस टाइम हमने घोषणा पत्र दिया। आज मेरा चैलेंज है भारतीय जनता पार्टी को, कोई भी हमारा घोषणा पत्र उठा के देखे, एक भी ऐसा निकाल दे जो हमने पूरा नहीं किया, वायदा नहीं किया। 2009 में भी देख ले, सारे वायदे हमने पूरे किए और भारतीय जनता पार्टी का 2014 का घोषणा पत्र उठा के देख लो, 154 वायदे थे, एक भी वायदा भुगतान के आने बताने में खड़े हो चुका। बार बार बता दे हमने ये वायदा किया, सिर्फ प्रचार अपनी एसेंबली में तीन तीन पेज पर अखबारों में बदलते हैं, बोर्ड लगाते हैं, हर गांव को होता है वहां पर भी लगाते हैं, सिर्फ भ्रष्टाचार बर्बाद किया। कभी बार भी मेरे को कोई वो नहीं। आज बच्चों की स्कॉलरशिप में कितने घोटाले, घोटाले के घोटाला, माइनिंग घोटाला, दाल घोटाला, किलोमीटर घोटाला, बिजली मीटर घोटाला, घोटाले कितने घोटाला सरकारें सबसे ज्यादा आज तक जितनी सरकारें हुई है सबसे भ्रष्टम सरकार की हुई है। गरीब फार्मी मार पड़ा, हर आदमी परेशान। तो आप घोटाला, हर घोटाला घोटाले को समझिए, बाजरे की जमीन में घोटाला, धान की जमीन में घोटाला, घोटाले घोटाला, और कोई इंक्वायरी नहीं होती। आपने देखा ये तो घोटाला सरकार है, तो घोटाला सरकार को भाई भाग करना है। जैसे मैं कह रहा था, एक भी वायदा उन्होंने पूरा नहीं किया। अब हमारी कांग्रेस कमेटी का घोषणा पत्र जारी करेंगे, घोषणा कमेटी में सभी शासन विचार करेंगे जो हमने वायदा किया है, चाहे वो बुजुर्ग की पेंशन हो, वो हम डालेंगे, जैसे 5,000 रुपया हम डालेंगे, घोषणा पत्र हम डालेंगे, सरकारी कर्मचारियों के लिए 50% लागू करेंगे। हमने हटा दिया इस प्रकार से हर वर्ग के लिए, हर वर्ग के लिए और सभी साथियों से सलाह करके सब साथी हमें घोषणा पत्र बनाएंगे। मैं एक ही बात कहता हूँ, जो हमारा घोषणा पत्र होगा छुट्टी करना चाहते हैं और कांग्रेस की सरकार बना के चलाना चाहते हैं। तो मैं आपके लिए कहने आया हूँ, छत्तीस बार आप देखो मोटरसाइकिल 23,000 का जुर्माना भाई,
ट्रैक्टर पर जिसमें वो कॉमन टैक्स भी नहीं है उसमें ऊपर भी करवाना कहीं तो अपना ट्रैक्टर छोड़ने भागे कोई मोटर साइकिल छोड़ने भागे तो भाई ये किसम के कानून कांग्रेस के समय में ये कानून करेंगे राजस्थान में भी कानून करेंगे तो ये जनहित की होंगे जनहित की अगर पार्टी है तो हमारी पार्टी है मेरा सबसे निवेदन है छत्तीसगढ़ में ये होकर और कांग्रेस पार्टी की ये हो गई आप ये बुलाओ एक होकर इस भारतीय जनता पार्टी को हरियाणा में बात करो इन लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद जब आज के कार्यकर्ता सम्मेलन की बात हुई तो जैसा कि आप जानते हैं कि हम हरियाणा ने हाथ संसदीय क्षेत्र में कार्यकर्ता सम्मेलन कर रहे हैं और हिसार की जब बात हुई तो कुछ साथियों ने कहा कि हमेशा की तरह नाम कांग्रेस भवन में कार्यकर्ता सम्मेलन कर देते हैं तो मैंने कहा ठीक है हमेशा करते हैं भाई कोई बात नहीं लेकिन फिर साथियों का फोन आने लगा कि मैं भी वो जो जगह छोटी पड़ जाएंगे उनको मंडी में करें मैंने कहा कि पहले कभी हुआ नहीं है कार्यकर्ता सम्मेलन हिसार में हमने मंडी में पहले कभी नहीं किया तो आप सोच लो विकल्प चौपाती थी तो साथियों ने कहा नहीं निकाल एक बार मौका दो तो उनका चलो ठीक है देते हैं मौका तो आप जब हम यहाँ आए और आप लोगों का उत्साह देखा इतनी भारी संख्या में जहाँ पर हमारे कार्यकर्ता मौजूद और साथ बाहर तो मुझे लगा कि भाई बात तो है जान तो है जान तो है धारावाहिकों में हमारे कांग्रेसियों में हमारे साथियों तो मुझे आप सब पर बहुत फख्र है बहुत गर्व है मेरे हिसाब से मेरे साथियों पर मेरे साथियों थोड़ा सा होता तो है हालांकि देखो पूरा हरियाणा कांग्रेस की बागडोर और उसके दिन सोनिया गांधी जी ने मुझे सौंपी है लेकिन जो अपने घर का एक नाम होता है कोई अलग नाम होता है तो आप सबको बहुत बहुत बधाई बहुत बधाई साथियों ये समय है जब आप सबने जिस उत्साह से जिस जोर से आप यहाँ आए तो ये समय है समय की पुकार है कि आपका ये जोश बरकरार रहे क्योंकि पिछले दिनों बड़ी निराशा हुई हमें जब लोकसभा का चुनाव हुआ तो थोड़ी निराशा लेकिन क्या नहीं थोड़े के समय में इतना बरसाने लगा और मुझे तो लोग कहने लगे दीदी ये बदलाव जो हुआ थोड़े दिन पहले हो जाता तो थोड़ा और फर्क पड़ता तो ये कोई बात कांग्रेस पार्टी की बात है हमारे नेता श्रीमती सोनिया गांधी है हम इस तिरंगे के नीचे खड़े और जब आप आते हैं जाते हैं गांव को आप लोग करते हैं जमीन पर हमारे कांग्रेस पार्टी की रीढ़ की हड्डी आप हैं जो नीचे जमीन पर गले गली में मोहल्ले में हर जगह लोगों के बीच में काम करते हैं जब गांव होते हैं तो सुनते हो भैया और जब लोगों की बात होती है तो जोश भी आप लोगों में होता है कि लोग आपकी बात सुनते हैं तो साथियों समय बदल रहा हरियाणा में 5 साल पहले ऐसी सरकार बनी भारतीय जनता पार्टी की जिसकी नींव झूठ पर रखी गई धोखे पर रखी गई न जाने कितने वायदे किए इन्होंने आपसे 150 वायदे एक भी वायदा पूरा नहीं किया 5 साल हो गए आज वक्त आ गया है वो उन
एक बार दिखा देंगे। वक्त आ गया है इनकी सारी झूठ का पर्दा पाठ करना। ये बेशक लोगों में आवाज घूम रहे हैं, लोगों की असलियत को नहीं पहचानते, जमीन के लोगों के दर्द को नहीं समझते, केवल सरकार देते हैं भाई को भाई से लड़ाने, भाई को भाई से बांटने की। लेकिन ये जो इनका एजेंडा है, भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा, ये हरियाणा के लोगों को, हरियाणा के लोगों को बिल्कुल भी दोबारा नहीं। साथियों, आज के दिन आप सब यहां पर बैठे, अलग अलग वर्ग के लोग बैठे, मेरी प्यारी बहने इतनी गर्मी में यहां पर बैठे, क्या है आपका जो आपको यहां लेकर आया है? हरे वर्ग है, आज पास मंडी है, व्यापारी वर्ग, दुकानदार, हमारे मजदूर हैं जो इतनी गर्मी में ये योजना सुन रहे हैं। मजदूर लोग, गरीब लोग, हमारा बाबा, कर्मचारी, आप सब यहाँ पर मौजूद हैं। इनके अलावा जो साथियों से एक आदमी बता दे कोई भी ना, एक बता दे कि कोई भी बात उनसे खुश हो, भारतीय जनता पार्टी से कोई बात खुश हो, कोई तो होगा, किसी का तो कोई खुशी आई होगी घर में। तो जब खुश नहीं है तो ये कैसे बात कर रहे हैं? ये पार वो पार, मुझे तो लगता है कि यहाँ की जनता ने एक बार इस बार बिल्कुल पार पार कर देना है, वो पता ही नहीं चले पार मेहनत लगा के इनके अब कहाँ पड़े। ये तब होता है जब लोग मन में ठान लेते हैं, और लोगों के मन में ठान ली है, जहां भी जाओ, हम करनाल गए, हम चंडीगढ़ गए, अंबाला गए, हर जगह हमको कर्मचारी नजर आए, धरने पे बैठे हैं, क्यों धरने पे बैठे हो? कोई दूसरे धरने पे बैठा है, कोई दूसरे कर्मचारी, तो पता चला कि धरने पे तो बैठे हैं लेकिन बात सुनना तो दूर इनकी, कोई इनसे सरकार की बातचीत नहीं, उल्टा मार मार के खदेड़ खदेड़ के लाठी करके उनको बहा रहे। हिसार टुडे, बदलते रहे समय के साथ। हिसार टुडे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करें और पाएं हिसार की ताज़ातरीन खबरें।